मां चामुंडा टेकरी पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पाथवे पर 100 से अधिक कुर्सियां प्रशासन ने लगवाई हैं। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात बदमाशों ने उन कुर्सियों को तोड़कर उसमें लगा करीब 20 किलो सरिया चुरा लिया। इस पर मां चामुंडा टेकरी शासकीय प्रबंध समिति के लिपिक तपन चौधरी ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मामले में टीआई उमराव सिंह ने मुखबिर की सूचना पर केपी कॉलेज के सामने रहने वाले 17 वर्षीय नाबालिग के साथ सचिन पिता पवन मालवीय उम्र 18 वर्ष निवासी विश्राम बाग को माता टेकरी के पास से गिरफ्तार किया है। दोनों ने नशे में सीमेंट कॉन्क्रीट से बनी कुर्सियों में तोड़फोड़ की बात कबूली है। दोनों कुर्सियों से सरिया चुरा कर गांजे का नशा करते थे। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 20 किलो सरिया भी जब्त किया है। बदमाशों को पकड़ने में कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह, एएसआई ईश्वर मंडलोई, राकेश तिवारी, परवेज खान, चंद्र सिंह चंद्रवंशी और माता दिन की सराहनीय भूमिका रही है। देवस्थान पर 1 तारीख और 2 तारीख की दरमियानी रात में अज्ञात 2 आरोपियों ने वहां बैठने वाले जो परमानेंट फिक्स हैं सीमेंट और कंक्रीट की कुर्सियाँ तोड़ फोड़ करके उसमें जो तार और सरिया रहता है वो कहीं बाजार में इसको बेच दिया था कबाड़ी भंगार वालों को। आज अरेस्ट किया है 2 लोगों को, उनसे वो तार भी मशरू का भी बरामद हो गया है। और ये दोनों आरोपी पाउडर और गांजा पीने के आती हैं, बचपन से ही बिगड़े हुए हैं और नाबालिग हैं अभी ये।